तो अब करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। आप बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो यहां पे देखो, मैं सेकंड यहां पे लिख देता हूं और लिखता हूं 7√5। अब देखो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी नंबर को अगर इरेशनल प्रूव करते हो तो आप उसे अपोजिट मान लो, आप उसको रैशनल मान लो, ठीक है, क्योंकि रैशनल की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं और जब हम इसे रैशनल मानकर सॉल्व करेंगे और ये अगर उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाएगा तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसे रैशनल मान लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर ये रैशनल है तो 7/√5 किसके बराबर हो जाएगा, a अपॉन में b के, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, a अपॉन में b की फॉर्म में होते हैं। तो मैंने इसे a अपॉन में b की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं यहां पे देखो क्या लिखूंगा, वेयर, जैसा कि मैं देखो पीछे जो क्वेश्चंस करवाते हुए आ रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरे का पार्ट फर्स्ट, ठीक है, इन सब में मैंने सेम एक ही तरीके से मैंने जो है किया है। तो आप इन क्वेश्चंस को, जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो को आप जरूर देख लेना ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो जहां पर हमने क्या कहा कि ये देखो, ये a अपॉन में b के बराबर हमने कर दिया है, और जहां पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, बहुत बार बता चुका हूं मैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख दूं 2/3, तो 2 हमारा a है और 3 हमारा b है, और आप जब 2/3 का क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, तो इसका HCF 1 आएगा, और ऐसे नंबर को ही हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है स्टूडेंट। और यहां पे मैं लिख देता हूं एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहां पर जो बी होता है नीचे डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की ये कंडीशन होती है कि वो ए अपॉन में बी की फॉर्म में होते हैं और बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, और ए और बी क्या होंगे, को प्राइम नंबर। अब देखो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें इस √5 को अकेला कर लेना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, ये जो 7 है इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में डाल दो इसे, तो √5 इज इक्वल टू ए अपॉन में 7b, ए अपॉन में 7b। अब देखो, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, देखो यहां पर देखो क्या आ गया कि √5 ए अपॉन में 7b के बराबर आ गया। √5 एक इरेशनल नंबर है और a अपॉन में 7b एक रैशनल नंबर है। अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता कि ये रैशनल नंबर है, ये तो इरेशनल दिख रहा है लेकिन ये तो रैशनल नहीं दिख रहा। आप स्टूडेंट यहां पर a और b की वो वैल्यू पुट करो जिसमें ये को प्राइम हो, ठीक है। जैसे देखो 2/3 है, तो मैं यहां पर देखो 2/3, यहां पर a की जगह पर 2 रखता हूं, b की जगह पर 3 रखता हूं। देखो यहां पर मैंने रखा है a की जगह पर 2 रख दिया और 7 × b की जगह पर कितना रख दिया, 3 रख दिया, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया, 2/21। अब बताओ क्या ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, और यहां पर जब आप इन दोनों का HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये देखो, इसका मतलब हमने यहां पे देखो, जब हमने a और b की वैल्यू पुट करी जो कि को प्राइम वैल्यू है, तो यहां पर ये कितना आ गया, ये हमारा रैशनल आ गया। तो देखो यहां पर देखो, ये है हमारा इरेशनल, √5 इरेशनल, और ये हमारा है रैशनल। अब देखो क्या इरेशनल और रैशनल बराबर आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हम ऊपर मान के चल रहे हैं कि 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत मान लिया है। इसलिए ये नीचे जब हमने सॉल्व किया तो यहां पर जो कंडीशन बनी वो एक रॉन्ग कंडीशन बन गई, इसलिए हमारा अजम्पशन जो था, जो हमने माना था, वो हमने गलत मान लिया है। तो देखो, क्योंकि हमने 7√5 को रैशनल गलत मान लिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, इरेशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। ये कंप्लीट हो चुका है, आपको कुछ स्टेटमेंट लिखनी है, ऐसे लिखोगे देखो, बिकॉज √5 इज इरेशनल एंड a अपॉन में 7b इज रैशनल, देयरफोर आवर अजम्पशन 7√5 इज रैशनल
इज रॉन्ग. देयरफोर 7 अंडर रूट 5 इज इरेशनल. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने इसकी एक एक बात जो है आपको अच्छे से समझा दी है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना. थैंक यू.